फैन मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा चौथे नवरात्रे के बारे में, चौथे नवरात्रे की पूजा विधि के बारे में, विशेष मंत्र के बारे में, विशेष रंग और व्रत कथा के बारे में। तो एक बार अवश्य कमेंट में लिखें जय माँ कूष्म माडा, जय माता दी। आप सभी व्यक्तियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मित्रों, नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ कूष्म माडा जी की पूजा की जाती है। यह शक्ति का चौथा स्वरूप है, जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। माँ के स्वरूप की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। मित्रों, देवी कूष्म माडा व उनकी 8 भुजाएं हमें कर्म योगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा देती हैं। उनकी मधुर मुस्कान हमारी जीवन की शक्ति का संवर्धन करते हुए हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलाकर सफलता पाने को प्रेरित करती हैं। भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कूष्म माडा है। अपनी मंद हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्म माडा देवी के नाम से जाना गया। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने इर्षद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में क्रमश कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं माता में है। इनके शरीर की क्रांति और प्रभा भी सूर्य के समान है। माँ कूष्म माडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्म माडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्म माडा देवी के स्वरूप में ही इनकी उपासना की जाती है। इस दिन माँ कूष्म माडा की उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। अब जानते हैं माँ कूष्म माडा के पूजन विधि के बारे में। मित्रों, नवरात्र में इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा करके माता कूष्म माडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना चाहिए। माँ कूष्म माडा को इस निवेदन के साथ जल और पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके सर्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, तो इस दिन माँ से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। माँ कूष्म माडा को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमता अनुसार लगाएं। पूजा के बाद अपनों से बड़े को प्रणाम करके प्रसाद वितरित करें। और अब जानते हैं माँ कूष्म माडा के विशेष मंत्र के बारे में। मंत्र इस प्रकार है। मित्रों, ओम देवी कूष्म माडाय नमः, ओम देवी कूष्म माडाय नमः, ओम देवी कूष्म माडाय नमः। इस प्रकार से एक माला, दो माला या समर्थ्य अनुसार जितना आपके पास समय है, जितनी आपकी क्षमता है, आप उतना जाप माँ के लिए कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी चौथे नवरात्र की कथा और पूजा विधि एवं विशेष मंत्र। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में एक बार अवश्य लिखें जय माता दी, जय माँ कूष्म माडा। आप सभी के घर माँ के दर्शन हर्षोल्लास के साथ हो, हमारी माता से यही विनती है। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।
ओम नमो नारायण।